भाई वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के जीवन चरित्र को दर्शाया जाएगा। लगभग 4 एकड़ की भूमि पर इस स्मारक का निर्माण किया जा रहा है और इसके प्रथम चरण की शुरुआत भी हो चुकी है। महाराणा प्रताप स्मारक की वास्तुविधीय संरचना उनके जन्मस्थल कुंभलगढ़ दुर्ग से प्रेरित होकर बनाई जा रही है। महाराणा प्रताप की जीवनी पर आधारित 20 मिनट की लघु फिल्म भी इस स्मारक में दिखाई जाएगी। मेवाड़ वंश एवं महाराणा प्रताप के जीवन की घटनाओं और कलाकृतियों पर प्रदर्शित करते हुए प्रादर्श वीथिका का निर्माण भी किया जा रहा है। साथ ही महाराणा प्रताप जी का जीवन वन में व्यतीत हुआ है एवं भील समुदाय के साथ भी उन्होंने अनूठे पल बिताए हैं, जिसे लैंडस्केप एरिया में खुली वीथिकाओं में दर्शाया जाएगा। महाराणा प्रताप जी की 20 फीट ऊंची प्रतिमा भी लैंडस्केप एरिया में स्थापित की जाएगी। लैंडस्केप के एक प्रमुख स्थान पर चित्तौड़ में महाराणा कुंभा द्वारा बनाए गए विजय स्तंभ की रेप्लिका भी बनाई जाएगी और लगभग 2000 से अधिक लोगों की बैठने की क्षमता, साथ ही लाइट एवं साउंड शो भी प्रस्तुत किए जाएंगे। महाराणा प्रताप लोक में निकास मार्ग में प्रमुख योद्धा का चित्रण म्यूरल्स और 3D कलाकृतियों के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही जन सुविधाएं, कैफेटेरिया, सोविनियर शॉप का निर्माण भी किया जा रहा है। आइए महाराणा प्रताप स्मारक की भव्यता का वो देखते हैं एक लघु फिल्म के माध्यम से। तो थी लघु फिल्म भव्यता महाराणा प्रताप स्मारक की। और अब हमारे बीच उपस्थित हैं कलाकार जो महाराणा प्रताप के शौर्य को संगीत के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। निवेदन करेंगे रामरथ पांडे जी और उनके साथी से कि वे महाराणा प्रताप के शौर्य को संगीत के माध्यम से प्रस्तुत करें। आइए जोरदार तालियों से कलाकारों का स्वागत करें। देश अनेकन है जगमा, देश अनेकन है जगमा, मूल ऐसन देश नयूर है भैया, जहाँ बारहु मास फरें बिरवा, गम के मधुमास खिले फूलवैया, गोद भरी धरती धनते नित बाजत आनंद मोद बधैया, केवल कही दे सहवे जगमा मोर भारत स्वान चिरैया तो
लगाए ध्यान तन दियो लगाई जवानी का ना हर रह आओ चेतक से कहे कोहराए कथा सिख जवाब जाप दुश्मन का चाहे रहे प्राण रहे घबराए अब तिवर न हमारा ना गाय आगे कदम बढ़ाए जाए ये आए पहुंचे हल्दी घाटी है सुनवाई अह बोलवनाए जहां बुरचा बांधी है अकबर का बाहि का गारू दिया ललकार ऐसी बानी मांगो राम की पाजी कटिगा ज्ञान तुम्हार कदम बढ़ायो कर आगे का तू नौ आखिया बन कराए कागति वरना वही तो मैं आ गए सुनवाई अह बोलवनाए हटे न पाजी यह पाछे का आगे कदम बढ़ाए जा तब वही दिन राणा यस वाला यवना राखे देर लगाए अरे जवानों मेवाड़ वालो आगे दीजे कदम बढ़ाए भी लाया दिवासी संगली ने और नाहर कदम बढ़ाए जाए बढ़ी गोहराए कहाए दुश्मन से की बाजी सावधान हो तो कहे चलिए संगर तीर तीर तारा कसम लगाओ मन को गर्व आज मोर पीर नसाओ ए पानी राखो आज बाज सम पाके धाओ आर मुंडन के ढेर ढेर संघर में सिराओ श्रोणित गए धार ए अब श्रोणित गए धार बहाए खाती गए धारा बढ़े आज सब पी रहा थली नग्न सुधारा सब वीर बढ़े रणधीर बढ़े गुंजारत है नभ मंडल सारा नभमंडल सारा अपमान कियो नहीं आन कियो यह बाजी ही आ नहीं नेक बिचारा प्रयास करूं पगलौ की धरूं नहीं चाह बजे दिन रात दुधारा सब सीर गए सब पीर कहां अब खोल दियो संगर के केवारा बढ़ गए सेना यव राणा कहे सुनो भाई अह बोलवनाए
आदि आजुबास निकाली ने आगे कदम बढ़ाए जाए। कागति बरन वही समय आके हमारे मुँह बरनी ना जाए। कहीं सुनो कहानी वही ना हर गए हम थोड़े मादिए बताए। बागदा पिता तन माली नो दूनो हाथ कराए तलवार। ओ जौनी ओर का धर के दा बैसी धर साफ करे तलवार। मारे मारे तलवार ने के बिगहन मासूदी न फैलाए। ही कभी बिनुरिया है मुगल ने कहे हौका बैठ प्याट मार जाए। ही अपने मन मा मुल्ला सोचे अब हम करबे कौन हो राय। कहे रे पिताता यह कैसी भय दिए राधी रुधरा ना जाए। ही महिगा ना हर है आगे का ये सुन भाई यह बोलो नाय। ही अरावल इनकी अब घाटी नमा राणा यटे बराबर जाए। और घो नहार सोटर नटारे चाहे को गोटिन का रहे उपाय। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां। हमारे बीच रामरथ जी ने अपने संगीत के माध्यम से महाराणा प्रताप जी की वीर गाथा हमको सुनाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम निवेदन करना चाहेंगे माननीय मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति सुश्री उषा ठाकुर जी से कि वे स्वागत भाषण देने की कृपा करें। आइए तालियों के साथ स्वागत करें माननीय सुश्री उषा ठाकुर जी का। आज के इस पावन मंच पर विराजित हमारे जननायक भैया शिवराज सिंह जी चौहान साहब, बड़े भाई केंद्रीय मंत्री परम आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब, मंत्रिमंडल के सभी साथीगण, आदरणीय अरविंद भदौरिया जी, गोविंद सिंह राजपूत जी, हमारे सभी महेंद्र जी, गोविंद जी, भूपेंद्र सिंह जी, रामपाल सिंह जी और समाज से पधारे सभी श्रेष्ठ जनों के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जननायक भैया शिवराज सिंह जी चौहान साहब को, जो इस बात के लिए चैतन्य हैं, सजग हैं कि आने वाली पीढ़ी में आध्यात्मिकता का, शूरवीरता का कैसे प्रतिस्थापन हो। साथियों, देश के हृदय प्रदेश के निवासी हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि पहला शौर्य स्मारक कहीं बना तो वो देश के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश में बना। हमारे जननायक की राष्ट्रीयता के प्रति ये चिंता, ये सजगता महारानी पद्मावती का स्मारक आने वाली पीढ़ियों को उन्होंने समर्पित किया है, भेंट किया है। आज महाराणा प्रताप स्मारक का जो निर्णय लिया, मेरे तो शब्द कोश में शब्द नहीं कि मेकाले की शिक्षा पद्धति और इनके कुत्सित षड्यंत्र ने आध्यात्मिकता और राष्ट्रीयता से हमारी आने वाली पीढ़ी को विगत 65 वर्षों में जो दूर रखा और उसके दुष्परिणाम हम सबको समाज में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। उस जघन्य अपराध को समाप्त करने के लिए नई शिक्षा नीति राष्ट्रनायक मोदी जी ने दी और उसका क्रियान्वयन यदि युद्ध स्तर पर सर्वप्रथम किसी प्रदेश ने कराया तो हमारे जननायक भैया शिवराज जी ने कराया। महाराणा प्रताप जी का ये पावन चरित्र जन जन तक पहुंचाना ये 21वीं शताब्दी के जगत गुरु भारत के निर्मिति के लिए अनिवार्य है। साथियों, अभी हम यशगान सुन रहे थे प्रताप जी का, माई एहड़ा पूत जन जहड़ा राणा प्रताप, अकबर सूतो ओज के जान सिराणो सांप। ऐसी शूरवीरता जिसने आतताई मुगलों को थर्रा दिया, और यदि कोई ये काम कर पाता है तो उसकी माँ
जिन्होंने उनको जन्म दिया। माँ जयवंता भाई के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। ये उनकी शिक्षा दीक्षा का परिणाम था जो माँ लोरी में गाते हुए उनको सुनाती थी कि इलाण देनी आपणी, इलाण देनी आपणी, हाल रियो हुलराए, पुत सिखावे पालनो, मरण बढ़ाई माए। माँ जयवंता की ये शिक्षा थी कि अपना तन मन धन सर्वस्व निछावर कर देना, पर धर्म संस्कृति राष्ट्र की अस्मिता से कभी समझौता मत करना। इस पावन माँ की दीक्षा को व्यवहारिक धरातल पर उन्होंने उतारा, दुश्मनों के छक्के छुड़ाए और उनका वो ज्वाजल्यमान चरित्र यदि इस स्मारक के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों तक नहीं पहुँचता साथियों, तो कहीं ना कहीं हम सब भी एक अपराध ही करते। हम आभारी हैं हमारे जननायक के जो उन्होंने महाराणा प्रताप स्मारक बनाने का निर्णय लिया। मेरा विश्वास है कि यह स्मारक युग युगों तक वीरता की, शूरता की, देशभक्ति की, सामाजिक समरसता की प्रेरणा देता रहेगा, क्योंकि महाराणा प्रताप ने संपूर्ण समाज को एकजुट करके मुगलों के छक्के छुड़ाए। उनके राज चिन्ह में तीर कमान भी बराबरी का सम्मान पाता है। ऐसी सामाजिक समरसता, ऐसी राष्ट्रीयता की आज नितांत आवश्यकता है, उसकी प्रेरणा देने वाला यह स्मारक आज माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने आने वाली पीढ़ी को समर्पित किया। मैं उनका कोटि कोटि अभिनंदन करती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ कि भैया श्री कृष्ण जी सरल के शब्दों को आपने सार्थक कर दिया। उन्होंने बड़ा मार्मिक अपील की थी कि पूजन शहीद गए तो फिर ये पंथ कौन अपनाएगा, तोपों के मुंह से कौन नकड़ अपनी छातियां अड़ाएगा, चूमेगा फंदे कौन गोलियां, कौन वक्ष पर खाएगा, अपने हाथों अपने मस्तक फिर आगे कौन बढ़ाएगा, पूजन शहीद गए तो फिर आजादी कौन बचाएगा, फिर कौन मौत की छाया में जीवन के रास रचाएगा, पूजन शहीद गए तो फिर वो बीज कहाँ से आएगा, धरती को माँ कहकर मिट्टी माथे से कौन लगाएगा। मैं चौराहे चौराहे पर ये प्रश्न उठाया करती हूँ, मैं अमर शहीदों की चारण उनके यश गाया करती हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करती हूँ। और संपूर्ण राजपूत समाज से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि महाराणा की देशभक्ति, उनकी सामाजिक समरसता और समाज जो हमको पावन ठाकुर की संज्ञा देता है, हम उसको याद रखें और व्यवहारिक धरातल पर प्रताप जी के पावन चरित्र को हम भी अपने व्यवहारिक धरातल पर उतारने में कहीं कसर ना रखें। ये विश्वास आज हम हमारे जननायक भैया शिवराज जी को दिलाते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाकर हमारे जननायक भैया शिवराज जी का, श्रद्धेय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब का आप अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर और अद्भुत स्वागत भाषण के लिए माननीय मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति सुश्री उषा ठाकुर जी। हमारे लिए ये बहुत ही गर्व की बात है, आज हमारे बीच केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी पधारे हैं। हम निवेदन करना चाहेंगे माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, कृषि एवं किसान कल्याण, खाद्य प्रसंस्करण, उद्योग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जी से कि आप ओजस्वी वचनों से हम सभी को अभिभूत करें। भारत माता की। महाराणा प्रताप जी की याद में यह कार्यक्रम है और भारत माता की जयकारा अगर इतना हल्का लगेगा तो कैसे काम चलेगा। भारत माता की, भारत माता की, महाराणा प्रताप की, महाराज शिवाजी की, महाराज छत्रसाल की, महारानी लक्ष्मीबाई की, रानी पद्मावती की, भारत माता की। आज के इस गरिमामयी कार्यक्रम में हम सब के मध्य विराजमान
हम सब के चहेते मध्य प्रदेश राज्य के यशस्वी लोकप्रिय और सर्वहारा वर्ग की निरंतर चिंता करने वाले हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब आज इस अवसर पर उपस्थित हमारे इस मंत्रालय की मंत्री बहन उषा ठाकुर जी, हमारे मंत्री आदरणीय अरविंद भदौरिया जी, आदरणीय गोविंद सिंह राजपूत जी, विजेंद्र प्रताप सिंह जी, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव साहब, रामपाल सिंह जी, माननीय भूपेंद्र सिंह जी, ओपीएस भदौरिया जी और मंच पर विराजमान हमारे सभी मंत्रीगण, विधायकगण और राजपूत समाज के अनेक वरिष्ठ महानुभाव और इस कार्यक्रम में उपस्थित परिवार के सभी बुजुर्गवार भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश की राजनीति में शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ये क्षण हम लोगों को साक्षी बनने के लिए मिलेगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री बहुत ही दूरदृष्टा हैं, जमीन से और जमीनी इंसानों के भावनाओं से जुड़े हैं, इसलिए वो भाव और व्यक्ति की नजाकत को पहचानते हैं। और आज उन्हीं की दूरदृष्टि का परिणाम है कि हम सब लोग आज महाराणा प्रताप लोक शिलान्यास समारोह के साक्षी बन पा रहे हैं। मैं इस मौके पर आप सब लोगों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप सब इस बात को जानते हैं कि हमारा देश सारी दुनिया का यशस्वी देश रहा है। एक समय था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, एक समय था जब भारत को विश्व गुरु माना जाता था, और एक समय था जब दुनिया के लोग भारत में शिक्षा ग्रहण करने आया करते थे। लेकिन दुर्भाग्य से एक समय ऐसा भी आया